लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मालिक, संतान दी थी तो उसकी परवरिश की शक्ति भी देनी थी। पति छिन गया, घर बार लुट गया, इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं। अब इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊँ? अब तू ही इसका पिता, तू ही माता, तू ही बंधु है। प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा, प्यारी प्यारी
तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, यमुना के पानी में हलचल नहीं, हलचल नहीं, हलचल नहीं। मधुबन में पहला था जल थल नहीं, जल थल नहीं, जल थल नहीं। वही कुंज गलियां, वही कुंज गलियां, वही छनकती मगर कोई छागल नहीं। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। तेरी गैया का वाली नहीं, कोई तेरी गैया का वाली नहीं, हाँ कोई तेरी गैया का वाली नहीं। अमानत ये तेरी संभाली नहीं, अमानत ये तेरी संभाली नहीं। कई कंस भारत में, कंस भारत में पैदा हुए, कपट से कोई घर भी खाली नहीं। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। हरे हरे राजू। जय श्री कृष्ण। राजू लोग तरस खाकर तुझे रुपए पैसे दे जाते हैं और तू वो पैसे भगवान की भेंट चढ़ा देता है। ये पैसे मेरे किस काम के बाबा, मेरा धन दौलत तो शान के दर्शन है, ना मेरे माता पिता है, मेरा शान ही तो सब कुछ है। मुझे अपने द्वार पर सोने के लिए जगह और खाने के लिए फल फूल दे देता है, चांदी के सिक्के मेरे किस काम के। राजू भगवान कृष्ण तेरा पालन पोषण करते हैं, तुझे खाने पीने को देते हैं, तो क्या तू उसकी कीमत चुकाता है। मेरे बाबा मैं भगवान को खुश करने के लिए भेंट नहीं देता। ले बेटे कल भी तेरा व्रत लिखा। आवरे भोग लगाया, मैं खा लूं, खा लूं। अब तो सो जा। आइए आइए धर्म देवता पधारिए। क्यों राजू क्या हाल है? अपने शान की छाया में आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पांडे जी आज हम नई फसल का बीज बोने जा रहे हैं, पूजा पूरी श्रद्धा से होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। राजू जी आज इतने जोर से मंदिर का घड़ियाल बजाओ कि कोसों दूर तक इसकी आवाज सुनाई दे।
सत्य वचन महाराज। पधारिए महाराज, पधारिए। हीरा था, कहाँ गया? महाराज रात को तो मैंने भी हीरा देखा। तो दिन निकलते ही कहाँ गायब हो गया? महाराज भगवान के मंदिर में चोरी की मजाल किसको हो सकती है? महाराज कौन कौन था यहाँ? केवल राजू। अन्नदाता, ये काम राजू का ही हो सकता है। राजू, राजू, भगवान के मोर मुकुट से हीरा तुमने चुराया है क्या? क्या मेरे सांवरे का हीरा गुम है? भोले बनने की कोशिश न करो। धर्म देवता, मेरी नजर तो हमेशा शाम की छवि पर लगी रही है। मुझे तो आज पता चला है कि शाम के मोर मुकुट में हीरा भी है। है नहीं, था। राजू, भूल हुई है तो मान ले, वरना मालिक तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। अगर मेरे मालिक मेरे सांवरे की यही इच्छा है तो आज ऐसा ही। राजू, हमारे क्रोध को आवाज न दे। बचपन से इसी मंदिर का प्रसाद खा खा कर इतना बड़ा हुआ है तू। बोल, बोल कहाँ है वो हीरा? मैं अपने सांवरे की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो किसने चुराया है ये हीरा? मैं क्या जानू? तू क्या जाने? भोले भक्त पर हाथ न उठाइए। तू क्या इसे सीने से लगा लू? उसने भगवान का अपमान किया है। महाराज, मेरी बुद्धि इस बात को नहीं मानती। 25 साल से मैं इस मंदिर में भगवान की पूजा करता आया हूँ, मगर मुझे हमेशा यही प्रतीत हुआ है कि जैसे भगवान इस मंदिर में सिर्फ राजू के लिए निवास कर रहे हैं। पांडे जी, तो क्या उस हीरे को आकाश ले उड़ा, धरती खा गई? बोल, 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 वरना मुझे। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, ये हत्या मत कीजिए। राजू इस मंदिर के संतान है, वो भगवान का एक अंग है। ये सब बकवास है। कल भोर भय तक इससे हीरा निकालिए, वरना इसे कह दीजिए कि गांव छोड़कर कहीं और चला जाए। चोरों के लिए इस मंदिर में कोई जगह नहीं। राजू, राजू, न रोइए बच्चे, न रो, न रो। तो मैं चोर हूं, देखा नहीं मुझे चोर ठहराया जा रहा? तू कैसा बंधु है मेरा, कैसा मित्र है? तेरे सामने मुझे पीटा गया और तू दूर खड़ा बांसुरी बजाता रहा? तू तो जानता है कि मैं निर्दोष हूं, फिर बता रहा दुनिया वालों को? समझा, तू भी चाहता कि मैं तेरा द्वार छोड़ के चला जाऊं। मुझे अपने मंदिर से निकालना तो खुद आके आज्ञा दे। दुनिया कौन होती है मुझे निकालने वाली? मुंह से बांसुरी को हटाना और दुनिया को बता कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। चुप क्यों है? मैंने तुझे कभी पत्थर नहीं माना, हमेशा भगवान समझा है। तेरी पूजा के सिवा और मुझे आता भी क्या है? तेरा मंदिर छोड़ के कहाँ जाऊंगा? बोल ना। मत बोल। हाँ, चला जाऊंगा। पिता भी कह रहा तो जगत पिता भी, लेकिन याद रखना, ये रिश्ता तूने तोड़ा है मेरे साथ। मैंने नहीं राजू। हाँ, चला जाता हूँ। अब अकेले सांवरे की पूजा करते रहना, मंदिर में झाड़ू देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन राजू नहीं मिलेगा। हाँ राजू मेरे बच्चे, शायद तेरे जाने में भी कोई भलाई हो तो मथुरा चला जा। मथुरा चले जाओ? क्या मथुरा में इसका निवास नहीं? क्या वहां कोई और शाम है? मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। अच्छा तो बंबई चला जा, वहां मेरा एक भतीजा रहता है, ये रहा उसका पता। और मेरे बच्चे, वो हर प्रकार से तेरी सहायता करेगा। और ये ले 4 पैसे, सफर खर्च के लिए रख ले मेरे बच्चे। क्या क्या बाबा, ये 4 पैसे मेरे उम्र पर काम आएंगे? हिम्मत ना हार मेरे बच्चे, ये तेरा सांवरा तुझसे छेड़ कर रहा है जैसे एक बार सुदामा से की थी। और मेरे बच्चे, बाद में सुदामा को क्या से क्या बना दिया? कोई सुदामा नहीं था, कोई कृष्ण नहीं, ये तो किसी लेखक ने कहानी लिख दी होगी।
चलो देख के क्या चलो, वो चोर मेरी गठरी चोरी करके ले गया। अच्छा परदेशी हो? हाँ, नया नया बनवास मिला है। दुनिया के ठुकरा है मालूम देते हो? दुनिया बनाने वाले ने ठुकराया है, जिस पे भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। अब धर्म मूर्ति श्री गणेश दत्त जी अपने पवित्र विचारों से आपके मन प्रकाशित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग निष्ठा के साथ, पवित्र लग्न के साथ, एकाग्रता के साथ मेरी उपासना करते हैं, मेरा नाम भजते हैं, उन योगियों की सांसारिक जीवन में मिली हुई प्रत्येक वस्तु की रक्षा का भार स्वयं मैं उठाता हूं। अब एक साथ एक स्वर में बोलो, जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। सब झूठ है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई भगवान नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। बालक तुम मेरे पास आओ। स्वामी जी ये नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, फिर आप इसे अपने पास क्यों बुलाते हैं? योगानंद, इस संसार में कोई नास्तिक नहीं, केवल अज्ञानी है। इस बालक जैसे अज्ञानियों के मन से अंधकार दूर करने के लिए भगवान ने हर युग में हर देश में मनुष्य के रूप में कई जन्म लिए, कई अवतार लिए, जैसे ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, श्री कृष्ण, शंकराचार्य इत्यादि इत्यादि। इन अवतारों को धर्म प्रचार में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान देना पड़ा। इस बालक के मन में कोई शंका है जिसे दूर करना हमारा कर्तव्य है। बालक मैं तुम्हें समझाता हूं भगवान है या नहीं। भगवान कोई नहीं है। यदि मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूं उसका उत्तर दोगे ना? भगवान के बारे में कुछ मत पूछेगा। मौसम के बारे में? कितने मौसम होते हैं? चार। कौन कौन से? गर्मी, सर्दी, पतझड़ और बहार। गर्मी, सर्दी, पतझड़, बहार, इनका क्या रूप है? रूप? इन मौसमों को तुमने किस रूप में देखा है? मौसम का कोई रूप थोड़ी होता है, परंतु अनुभव तो करते हो। हाँ, गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी। इसका यह अर्थ हुआ कि रूप न दिखने पर भी किसी वस्तु के अस्तित्व का अनुभव तुम करते हो। इसी प्रकार भगवान एक शक्ति है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव करते हो। बहुत अनुभव करके देखा स्वामी जी, लेकिन मुझे क्या मिला? अनुभव किया परंतु कुछ नहीं मिला। इसका यह अर्थ हुआ कि तुम पहले नास्तिक नहीं थे, किसी कारणवश भगवान से रूठे हुए हो। रूठू नहीं तो क्या करूं? तुम भगवान को किस रूप में मानते थे? मैं श्याम सावरे का भक्त था, बचपन से मैंने उसकी सेवा की, मंदिर में झाड़ू लगाया करता था, मंदिर के प्रसाद के अलावा और कोई भोजन नहीं करता था। सोते जागते जुबान पर अगर किसी का नाम आता तो श्याम सावरे का। मैंने उसे अपना बंधु, अपना मित्र, अपना मालिक समझा, लेकिन उसने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। उस मंदिर में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया कि भगवान के मुकुट का हीरा मैंने चोरी किया। हरे कृष्ण, देखा, मेरी बात सुनकर आपका दिल तो पसीज गया, लेकिन श्याम सावरा तो पत्थर का ही रहा, उसने मेरी सहायता नहीं की।
इसलिए तुम्हारी सहायता नहीं की क्योंकि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जिस तरह पाठशालाओं में बच्चे परीक्षा देकर छोटी श्रेणी से बड़ी श्रेणी में जाते हैं, उसी तरह इस संसार में हर मनुष्य को भगवान की परीक्षा देनी पड़ती है। ये संसार सबसे उच्च श्रेणी की पाठशाला है बालक, और इसकी परीक्षा उतनी ही कठिन है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसी की आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। सोना आग में गलाया जाता तब उसका गहना बनता है, मैला कपड़ा भट्टी में तपाया जाता तब वो उजला होता है। इस आग और भट्टी से उत्तीर्ण होकर ही तुम उसके समीप पहुंच पाओगे, उसके पास पहुंच पाओगे, उसकी लीला को समझ पाओगे। उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, वो किसी जीव का साथ नहीं छोड़ता। कीट पतंग कीड़े मकोड़े से लेकर गर्भ के बालक तक की सहायता करता है, उनकी रक्षा करता है। इस कारण किसी शंका या संदेह को तुम अपने मन में स्थान न दो बालक, और एक सच्चे भक्त की तरह सांसारिक आंधियों का सामना करते हुए आगे बढ़ो। यदि मेरी युगों की तपस्या में कोई सच्चाई है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं तुम्हारा श्याम अवश्य तुम्हारा साथ देगा। यदि न दिया तो यह माथे का चंदन सदा के लिए। मुझे क्षमा कीजिए, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने भगवान का अपमान किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए। पश्चाताप ही पाप का प्रायश्चित होता है, कभी भगवान पर से विश्वास न। मेरे सेब मेरे राजा जब खाएगा तू, जो कंवारा है तो जग ब्याह जाएगा तू, खाए जा खाए जा। अरे नारंगी, सेब के दाम तो बता। 12 रुपए दर्जन, बाजार में तो 9 रुपए दर्जन है। ओए हाय बाबा, वो तुम्हारी उम्र के सेब होंगे, मेरे सेब तो जवान है, मैं घटिया माल नहीं बेचती। अच्छा आधा दर्जन दे दो। जग्गी, बाबा को 6 जवान सेब तो दे दे। अरे कमबख्त मूर्ति ने धंधे के वक्त ही दुकान बंद कर रखी है, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो ये सब दुकानें किराए पे लेकर आगे किराए पे दे दी। अरे जब दुकान ही बंद होगी तो किराया कहाँ से मिलेगा। मूर्ति, ए मूर्ति, तेरा धंधा क्या स्मगलिंग का है जो दुकान बंद करके अंदर छुपा बैठे है। दुकान खोल कर देख ली, धंधा तो होता ही नहीं, सोचा दुकान बंद करके भी देख लो। एक बात बता, मेरा पिछले महीने का किराया देगा या नहीं। बिक्री हो तो किराया दो, सबसे पहली दुकान तेरी पड़ती है, जो कोई आता तो उसकी जेब खाली कर लेती है, मेरी दुकान तक आएगा कौन। मूर्ति धंधा करना सीख, आजकल धंधा करने के लिए रंगो रोगन की जरूरत है। होटल वाले खाना बेचते है ना तो नंगा नाच दिखाकर, मिल वाले अपना कपड़ा बेचते है ना तो अखबारों में लड़कियों की तरह तरह की तस्वीरें छापकर, फिल्म वाले अगर फिल्म चलाते हैं तो एक तरफ हीरो दूसरी तरफ हीरोइन, बीच में इमली का पेड़। अरे मूर्ति छोड़ ये यीशु मसीह गौतम बुद्ध राम और कृष्ण की तस्वीरें, आजकल लोगों को संगम का पोज और वारिस का नमूना चाहिए। भगवान को तो लोग जबानी भी याद कर लेते हैं, फिर भला तस्वीरें क्यों खरीदेंगे। नारंगी जब तक दुनिया में दुख दर्द है लोग भगवानों की भी तस्वीरें खरीदेंगे। मैं देखता हूँ तुम्हारी ये फ्रूट की दुकान कब तक चलती, ये सेक्स ये फ्रूट ये तो सब मौसम का मेवा है, मौसम बदला और ग्राहकों की नजर ली। अरे मूर्ति तो हमेशा जली कट्टी बातें सुनाता जाले। तो भाई साहब क्या चाहिए, फल या फोटो। तू धंधा कर मैं चली। अरे तू कहाँ जा रही है रे, शायद ये ग्राहक भी तुमने देख के यहाँ रुक गया होगा। मुझे अपना धंधा नहीं संभालना क्या। अरे तेरे तो रेडीमेड ग्राहक है, तू तो मूंगफली को पिस्ता कहकर बेच दे तो लोग खरीद लेंगे। तो तू क्यों जलता भुनता है जाले। भाई तू गर्मी मत खाना, ये तो आपस की बात है। बता कौन सा फोटो चाहिए। हाँ, कृष्ण कन्हैया का। अरे भाई कृष्ण कन्हैया के तो कई मुहूर्त है, बाल गोपाल, मक्खन चोर, गोपाल गिरधारी, 3 रुपए में फ्रेम वाला, 1 रुपए में फ्रेम के बगैर। अरे सोचते क्या हो, 1 रुपए में भगवान महंगा नहीं। हाँ, मैं चलता हूँ फिर कभी आऊंगा। अरे सवेरे सवेरे बोनी का वक्त कहाँ जा रहे हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कितने पैसे हैं। 50 पैसे। 50 पैसे, 50 पैसे में मैं तुम्हें कृष्ण भगवान के बचपन की तस्वीर देता हूँ। और ये पैसे मैंने भूखा रह रहे के भगवान की तस्वीर के लिए बचा के रखे। घीटी खोलो, यहाँ तो 2 दिन से भी 50 पैसे नहीं देखे। गुम तो नहीं हो गए ना। नहीं नहीं। अरे पते वाला कागज भी मिल गया, जरा पढ़ना तो भैया। पहले 50 पैसे। 50 पैसे इसके। ओह ये लो।
श्री राम मूर्ति पांडे, तस्वीरों की दुकान 127 मेनन स्ट्रीट। 127? मुझे उल्लू बना रहे हो? मेरा अपना पता मुझसे पढ़ा रहे हो? मैं ही राम मूर्ति पांडे हूँ। अच्छा, आप ही वो मूर्ति है पांडे जी के भतीजे? हाँ हाँ, मेरे चाचा बसंतपुर में कृष्ण मंदिर में पुजारी है और मैं यहाँ का भिखारी हूँ। मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। पुलिस के आदमी है? नहीं नहीं, मेरा नाम राजू है, मैं बसंतपुर से आया हूँ। राजू, अयो अयो, मुझे तो कई दिनों से तुम्हारा इंतजार है। चाचा जी की चिट्ठी आई है। क्या लिखा उसमें? वो तो मैं भूल गया हूँ। घर चलते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं और कुछ भोजन पानी भी कर लेते हैं। दो दिन से भूखा है बेचारा। नारंगी, दुकान बंद कर लेना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे राजू, तू हरे कृष्णा का ऐसे जाप करता है जैसे बच्चे स्कूल में दो दुनी चार का पहाड़ा पढ़ते हैं। इसी जाप से तो सारे पाप कटते हैं। जाप करने के लिए पहले पाप करना पड़ता है? नहीं नहीं, जाप पापी भी करता है और ऋषि मुनि भी। यानी ऋषि मुनि और पापी दोनों भाई भाई हैं। भगवान का स्मरण पापी इसलिए करता है कि भगवान उसके पाप को नष्ट करते हैं, और अच्छा आदमी इसलिए करता है कि भगवान उसे पाप से बचाए रखे। देख राजू, तू शहर में नौकरी ढूंढने आया है या कथा करने? मैं मूर्ख प्राणी, मैं क्या कथा करूंगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने पांव पे खड़ा हो जाऊं, दो वक्त की मेहनत की रोटी कमा सकूं। हाँ हाँ, मेहनत से तुम दो वक्त की रोटी कमा लोगे। मैं नारंगी से कहकर तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। सूरत से तो बुद्धू लगते हो, लेकिन वो आदमी मेहनती। ये लो 3 रुपए, तुम्हारी कमीशन। देखो राजू, ये तुम्हारी पहली कमाई है, इसे मूर्ति के हाथ में देना। सत्य? आओ आओ राजू भैया, क्या बात है? ये लो मेरी पहली कमाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तूने अपने सच्चे दिल से दी है ना? हाँ, अपने सच्चे दिल से दी है और नारंगी जी के कहने से। आए हाय, अभी से अपनी भाभी के इशारों पे नाचने लगे। मूर्ति भैया, ये मेरी पहली कमाई है ना, इसमें से 10 पैसे मुझे दे दीजिए। मूंगफली खाएगा क्या? नहीं, अपने शान सांवरे के सामने अगरबत्ती जलाऊंगा। मूर्ति आया नारंगी, मेरा किराया दे। लेकिन कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हें पता है। मूर्ति ये क्या है? खुजली हो रही है। खुजली हो रही है? ये तो राजू की कमाई है। तो क्या हुआ, अपना किराया वसूल करने के लिए ही तो तेरी सिफारिश पे उसे नौकरी दी थी। आय हाय, क्या बिजनेस ब्रेन है, एक हाथ से देती है दूसरे हाथ से लेती है। हाँ, लेकिन एक 20 पैसे दे देना, राजू को अपने भगवान के सामने अगरबत्ती जलानी है। 20 पैसे दे ये ले। थैंक यू थैंक यू। रमा, तू तो कमाल करती है, कब से तेरी राह देख रही थी, कहाँ मर गई थी तू। सावित्री ठहर जा, जरा सांस तो ले लूं। क्या दौड़ लगा कर आई है? सुन तो सही, मेरी दीदी अपने ससुराल से अचानक चली आई, बहुत दिनों के बाद मिले थे। गपशप होती रही, बातों ही बातों में मैं भूल गई कि तुझसे अपॉइंटमेंट है। जब याद आया तो जल्दी से साइकिल लेकर भागी, सड़क के मोड़ पर टर्न मारा तो जल्दी से एक बस मौत बनकर सामने आ खड़ी हुई। मैंने जोर से ब्रेक लगाए, भगवान ना बचाता तो आज तेरी रमा मर गई थी। हर बात में भगवान को घिसटती है। वक्त पे अकल से काम लिया तो एक्सीडेंट से बच गई, फिर वह भगवान कहाँ से तेरी साइकिल और बस के बीच में आकर खड़ा हो गया। बस बस, नए जमाने की हवा लग गई है तुझे, हर बात में अपनी ही फिलॉसफी झाड़ती है। रेणु डाली सुधा सब कहाँ है? देवियो, यात्री हूँ, बनारस से विश्वनाथ जी के दर्शन करके पैदल आ रहा हूँ, भूख के मारे जान निकल रही है, भोजन करवा दो, भगवान तुम दोनों को परीक्षा में पास करेगा। अरे रमा, इसे कुछ मत देना, ये तो बिल्कुल ढोंगी लगता है। अगर बनारस से पैदल आया होता तो पाँव में छाले नहीं पड़ गए होते। अरे साधु बाबा, तू क्या समझता है, माथे पे टीका लगाकर और गले में माला डालकर हर कोई सन्यासी बन सकता है? अगर तेरा भगवान तेरे आशीर्वाद से हमें पास कर सकता है, क्या तुझे रोटी नहीं दे सकता? मेरे पैसे। अरे इतनी हंसते क्यों हो, क्या बात है?
बात क्या होगी? सेब खा रही है। लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मारा जाऊंगा, मेरे पैसे तो दे दीजिए। क्या ये लड़कियाँ तुम्हारे फल चुरा कर लाई है? चुरा कर नहीं, छीन कर लाई है। बच्चों से क्यों निकालती हो? नहीं नहीं नहीं, हंसने दीजिए, लेकिन मेरे पैसे तो दे दे, ये मेरे अपने फल नहीं है। मैं मजदूरी पर किसी और के लिए काम करता हूँ, 10 रुपए का फल बेचूं तो मुझे 1 रुपया मिलता है। क्यों किसी गरीब को परेशान कर रही हो? दे दो ना उसके पैसे, हमने आज तक फल खरीद कर कभी खाया ही नहीं, आज क्यों खाए? ओहो, यू पीपल रियली, कितने रुपए है? 10 रुपए। ये लो। देवी भगवान आपका भला करे। फिर वही भगवान, न जाने हमारे लोग भगवान के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पंछी वाले, तेरी कृपा से मैं आम के बाग खरीदने जा रहा हूँ, मेरी सहायता करना। जो कुछ भी मेरे पास है सब तूने ही दिया है और सदा तू ही देता रहेगा। चलिए भाई जी, नहीं मैं कौन होता हूँ आपकी जान बचाने वाला, ये तो सब उसी सुदर्शन चक्र वाले का चमत्कार है। ये लीजिए। हेलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? राजू। क्या करते हो? फलों की फेरी लगा के 2 वक्त अपना पेट पाल लेता हूँ। क्यों, इस संसार में तुम अकेले हो? नहीं नहीं, अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे श्याम सांवरे हैं। कृष्ण के भक्त होकर भी तुम फलों की फेरी करते हो? तुम इतने गरीब हो? नहीं नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरा धन दौलत तो मेरे सांवरे के दर्शन है। ये लो। ये क्या? मेरी तरफ से तुच्छ भेज, 10,000 रुपए। नहीं नहीं, मैं इसे लेकर क्या करूँगा, आप इस 10,000 से कोई मंदिर बनवा दीजिएगा, मेरी तो हर जरूरत मेरा श्याम सांवरा पूरी कर देता। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी सहायता भी तो की है। अगर तुम वक्त पर न पहुंचते तो क्या पता ये अमेरिकी का दौरा मेरी जान ही ले बैठता, या मुझे बेहोश देखकर कोई आता जाता आदमी मेरे 4 लाख रुपए उड़ा कर ले जाता। ले लो भाई, इस रुपए से तुम अपना जीवन संवार सकते हो। नहीं नहीं, मेरे जीवन की डोर तो इसी के हाथ में है। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो समझो तो जिस तरह भगवान ने तुम्हारे रूप में आकर मेरी जान मेरी दौलत बचाई है, उसी तरह भगवान मेरे रूप में आकर तुम्हारी गरीबी दूर करना चाहता हूँ। ले लो भाई। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो अपने बंसी वाले से पूछो। चलो चलो, आओ आओ, पूछो। बंसी वाले, देखो ये तुम्हारा कोई भक्त मुझे लालच दे रहा है, भला मेरा क्या हक इस दौलत पर? देखा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, भगवान ने आज्ञा दे दी। लो ले लो। अयो, तो बड़ी गंभीर समस्या है, क्या करें क्या करें। सूजी, देख बंसी वाले को मक्खन भात पसंद था ना, इसलिए हम मक्खन दूध घी और दही की दुकान खोलते हैं। हाँ, और मैं अभी जाके 10,000 रुपए के 10 भैंसे खरीदता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम भैंसों का मक्खन नहीं बेचेंगे, गोपाल को तो सिर्फ गौ माता से प्यार था, हम गौ का मक्खन बेचेंगे। राजू, 10,000 रुपए के आगे तुम्हें अक्कल भी आ गई है? क्या शुद्ध घी यहाँ मिलता है? हुजूर, आपने बोर्ड नहीं पढ़ा, ये कृष्ण भगत राजू भैया की दुकान है, यहाँ मिलावट का धंधा नहीं होता, हम अपनी गाय रखते हैं, फिर अपनी आंखों के सामने उनका दूध निकलवाते हैं,
फिर अपने हाथों से उसका दही जमाते हैं, फिर अपनी आंखों के सामने उसका मक्खन बनवाते हैं और घी बनवाते हैं, और अगर कोई ग्राहक हमारा पहचान कर रहा तो हम उसके घर में जाके देखते हैं कि कहीं वो हमारे शुद्ध घी में किसी अशुद्ध घी को मिलाकर खाना तो नहीं बना रहा। अच्छा, 4 किलो का एक टीन दे दो। ये लीजिए 4 किलो का टीन, और 60 रुपए ठीक से गिनकर मालिक को दे दीजिए। मैं मालिक? नहीं नहीं नहीं, हम सबका मालिक तो ये है। 1 किलो घी दीजिए। क्षमा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हमारी छोटी दुकान से 1 किलो घी दिलवाता हूँ। आइए 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 आइए। अरे इतनी देर कर दिया, क्या बात है, दुकान जल्दी बंद नहीं हुई। आइए आइए। जय नंदलाल गोपाल सांवरे। क्षमा कीजिए, मैं पिछले कुछ दिनों से आपकी डेयरी को बराबर दूध न भेज सका, क्योंकि बहुत सी गायें बीमार पड़ गई हैं। मैं कुछ और गायें खरीदना चाहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, पैसे का कहीं भी प्रबंध नहीं हुआ। इसमें घबराने की क्या बात है, मैनेजर साहब से जितना रुपया चाहो ले लो, कह देना कि मैंने कहा। धन्यवाद। कई ऑडिटर साहब, सर हमने गवर्नमेंट को 1.5 लाख रुपया इनकम टैक्स देना है। देर मत कीजिए। यस सर। फरमाइए। जनाब मैं हरिपुर के जमींदार का मैनेजर हूँ, जमींदार साहब की लड़की की शादी है, हमें 2 लाख के गहने 15 दिन के अंदर अंदर चाहिए। 15 दिन क्यों, 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। अच्छा जी। मास्टर जी क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, पूजा में देर हो। बैठिए बैठिए मास्टर जी। क्या बात है मास्टर जी, 1 हफ्ते से आप घर नहीं आए। क्या अर्ज करूं, जवान लड़की के रिश्ते के लिए दौड़ धूप कर रहा था, बड़ी मुश्किल से एक अच्छा घराना मिला, लड़का भी पढ़ा लिखा है, लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा है, मैं गरीब आदमी, मैंने सब दोस्तों के दरवाजे खटखटाए लेकिन सब ने टका सा जवाब दे दिया। मास्टर जी मेरे होते हुए आपको दूसरों के पास जाने की क्या जरूरत है, आपको जितने रुपए चाहिए मुझसे ले लीजिए। राजू भैया मैं पहले ही आपके एहसानों तले दबा हुआ, आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। मास्टर जी इसमें तकलीफ की क्या बात है, क्या आपके मुझ पर कम एहसान है, मैं बिल्कुल अनपढ़ था, आप मुझे हर रोज पढ़ाया करते थे, आप तो मेरे गुरु हैं। रुपया कल सुबह पहुंच जाएगा, मगर रुपये के साथ आपको सूद देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बुरा ना माने तो एक बात साफ कर लूं, सूद कितना होगा? सूद ये होगा कि आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि आपने अपनी बेटी की शादी के लिए रुपया जो लिया वो मुझसे लिया है, आपकी बेटी मेरी बहन है और एक भाई की तरफ से छोटा सा तोहफा बहन के लिए, शादी की तैयारियां की। मिलेगा
बिजली हो जैसे, छुपी बादल में बिजली हो जैसे, दोनों ये सोचे कब जाएंगे बराती, दोनों ये सोचे कब जाएंगे बराती, गले लग जाए हम जीवन के साथी, चलो मेरे यार, चलो मेरे यार। मितेशो भगत त्वाजा हस्तम मया पत्याजर दृष्टि यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधीर त्वाम दुर्गा पत्याज देवाह अमोहमस्मे ऋक्वम त्वावेवाह विभोहावहि। राजू बेटा, आपने किस धूमधाम से मेरी बेटी की शादी की, मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं। बच्चों चरण छुओ इनके। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। जरा ये दिखाइएगा। जल्दी से बिल बना दीजिए। लगाना मुझे। नेकलेस वापस कर दो। ए नेने जोहरी, जानते नहीं मेरा नाम जग्गा है, जग्गा। छह खून कर चुका हूँ। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, नेकलेस मेरे हवाले करो। हिम्मत है तो ले लो। ओ जग्गा, पुलिस तो बहुत दिनों से इसकी तलाश में थी। जग्गे पहले नेकलेस निकालो, निकालो नेकलेस। आप हमारे साथ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आइए। आप चलिए, मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ। राजू, अब तेरी जिंदगी के भी उतने दिन बाकी हैं, जितने दिन मैं जेल में काट लूंगा। अबे चलना। थैंक यू वेरी मच। क्या आप ही उस दुकान के मालिक हैं? जी हाँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं तो? आपने भी तो मुझ पर एक एहसान किया था। मैंने? जी हाँ, कुछ साल पहले जबकि मैं गली गली फल बेचा करता था, आपकी सहेलियों ने मेरे ठेले से फल चुरा लिए थे। उनकी कीमत भी आप ही ने अदा की। अरे हाँ, लेकिन कहाँ फलों की फेरी और कहाँ ज्वेलरी शॉप? इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया? जानना चाहती हैं आप? मेरी एक दोस्ती जादूगर से है, बस ये सब उसी का चमत्कार है। जादूगर? जी हाँ, आप नहीं समझेंगे। एनी हाँ, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते। मोए, कल जो मेरी दुकान से फल लेकर बाजारों में बेचते थे, आज मोटर कारों में घूम रहे, और मेरी किस्मत देखो, यहाँ मूंगफली बेच रही। नारंगी, किसी की तरक्की देखकर खुश होना चाहिए। जलने वालों से भगवान मुंह की रोटी छीन लेता। किसी के मुंह की रोटी छीन लेता है और किसी के भंडार भर देता है। अब राजू को देखो, दो टक्के का आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नारंगी, मैं राजू की अमेरिका राज जानता हूँ। जानता है? बताना। बताऊं? राजू ने बड़े भक्ति भाव से भगवान की आराधना की। वो हर रोज जाके कृष्ण मंदिर में 10 पैसे की अगरबत्ती जलाता रहा। भगवान प्रसन्न हो गए। वहां एक अमीर आदमी आया, उसे वही मिर्की का दौरा पड़ा। राजू ने भागकर उसके हाथ में लोहे की सलाख दे दी, उसकी जान बच गई। उसने राजू को खुश होकर 10,000 रुपए दे दिए। 10,000? हाँ, और उसी रकम से उसने घी की दुकान खोली और आज लाखों में खेल रहा है। देख मोती, तू तो जानता है राजू के बुरे दिनों में मैंने उसकी मदद की थी, अब मेरे दिन फिर गए हैं। मूर्ति, तू राजू को कहकर मुझे कुछ रुपया दिलवा सकते हैं? राजू से रुपये ऐंठने का एक ही तरीका है, राजू कृष्ण भगत है। तू उसके पास पहुंच जा और कहे मुझे सपने में कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और ये हुक्म दिया कि राजू से मदद लेकर एक नई जिंदगी शुरू कर दो।
रुपया मैं तुम्हें नहीं दूंगा। राजू भैया, जब श्री कृष्ण भगवान ने खुद नारंगी के सपने में आके कहा कि रुपया आपसे ले ले, तो फिर आप कैसे टाल सकते हैं? मूर्ति, मेरे एक एक सांस में श्री कृष्ण भगवान बसे हुए हैं। मेरा रोम रोम उनकी पूजा करता है। जब इतने बरसों की तपस्या के बाद श्री कृष्ण भगवान मेरे सपनों में नहीं आए, तो नारंगी के सपनों में कैसे आ सकते हैं? मूर्ति, अगर कृष्ण भगवान नारंगी की मदद करना चाहते तो वो उसके सपनों में क्यों आते? मेरे सपनों में आते। मेरे पास अगर कोई साफ साफ आकर कहे कि वो कष्ट में है, तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगा मूर्ति। लेकिन अगर मुझे कोई धोखा देने की कोशिश करे, वो भी मेरे कृष्ण भगवान के नाम पर, तो मैं उसके जाल में फंसने वाला नहीं। राजू भैया, मेरा झूठ बोलने का कब इरादा था? ये तो मोई मूर्ति ने पट्टी पढ़ाई थी। राजू भैया, माफ कर दीजिए। तो तुम मानते हो कि तुमने झूठ बोला? बस यही काफी है। अब तुम्हारी सहायता करना मेरा फर्ज ही नहीं बल्कि मेरा धर्म भी बनता। और वैसे भी मेरी पहली रोजी का कारण तो तुम ही हो। मैं ये उपकार कभी नहीं भूल सकता। जो इंसान किसी का उपकार भूल जाए, वो दुनिया में सबसे बड़ा पापी है। बोलो, 2000 रुपये काफी? हम दोनों को 2000 चलेंगे। तू चुप रह, तेरी जबान खींच लूंगी। पहले भी तूने ही मेरा काम बिगाड़ा था। राजू भैया, जो मर्जी है दे दीजिए। नारंगी, ये लो 10000 रुपये। इसे कर्ज मत समझना, अपना ही रुपया समझना। और आइंदा कभी भी रुपये पैसों की जरूरत पड़े काम काज के लिए, तो सच बोल कर ले जाना। धर्म देवता, कौन हो तुम? यह शब्द तो बड़ी मुद्दत के बाद सुन रहा हूं। मुझे भूल गए, मैं आपके मंदिर का दास राजू हूं। राजू जी, भगवान के मोर मुकुट के हीरे का चोर। मुझे शर्मिंदा न करो राजू, तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे अपनी मूर्खता का पता चला। दूसरे ही दिन वो हीरा भगवान के चरणों के नीचे पड़े एक नारियल में मिल गया। तुम मुझे माफ कर दो राजू। ये क्या कर रहे हैं आप, एक दास के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? जीते रहो बेटा, मैंने सुन रखा है तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो। आज देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम सचमुच बड़े आदमी हो। धर्म देवता, आपको मेरे घर आना ही होगा। लेकिन बेटा, मैं तो यहाँ अपनी लड़की से मिलने के लिए आया था। वो कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रुकना पड़ा। आज ही वापस जाने का इरादा है। सर, गाड़ी ठीक हो गई। ठीक है धर्म देवता, आप मेरे घर में चरण डालकर ही जाइएगा। अच्छा, श्याम निवास जवाहर रोड पर मेरी कुटिया है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्याम सांवरे, राजू भैया ने तेरी पूजा के लिए सिर्फ 10 पैसे की अगरबत्ती जलाई और तूने उसे धन दौलत से मालामाल कर दिया। और अब मैं तेरी पूजा के लिए 10000 रुपए की अगरबत्तियां लाई हूँ। श्याम, अब तू ही इंसाफ से फैसला कर ले कि मुझे कितना माल मिलना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलाओ बेटी। ये है ना, और ये हमारी बेटी सावित्री। मैं तो इनको अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, अंदर तो आइए। चलो। चाहिए आपको?
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुझे खांसी कैसी? झूठी खांसी। इस घर में कोई चीज झूठी नहीं है, इसलिए झूठी खांसी भी नहीं चलेगी धर्मदेव। बेटे आज भी तुम मुझे उसी पुरानी नाम से याद कर रहे हो? बेटी सावित्री, जब ये गांव में रहता था तो मुझे इसी नाम से पुकारा करता था। लेकिन बेटी आज तो तुम खा नहीं रही हो कुछ? मैंने बहुत कुछ खा लिया पिताजी। ये लीजिए थोड़ी सी मिठाई। नहीं बेटा, तुम्हारी बातों में इतनी मिठास है, बस मिठाई की जरूरत ही महसूस नहीं होती। थोड़ी अच्छा। ये फैसला मैंने बड़े ठंडे दिल से सोच विचार के किया है। धर्म देवता, आप तो जानते मैं एक अनाथ हूँ, ना मेरी माता का पता है ना पिता का। आप ही के सामने मंदिर में घंटियां बजा बजा कर पड़ा हुआ हूँ, आपसे मेरा क्या मुकाबला? बेटे दौलत और शौहरत ये तो भगवान की देन है, कभी भी किसी को भी मिल सकती है। और अगर भगवान की मर्जी हो तो हाथ आई हुई दौलत, कमाई हुई शोहरत किसी दिन भी खो सकती है। इंसान के कर्म और उसका पवित्र मन ही उसकी सच्ची दौलत है, और ये वो दौलत है जो एक बार हाथ आकर कभी नहीं जाती। और ये दौलत तुम्हारे पास जितनी है मेरे पास नहीं। याद करो बरसों पुरानी बात, जबकि मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें गांव से निकाल दिया था। आज वो वक्त आ गया कि मैं उस बात का प्रायश्चित करूं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ। एक बात पूछो सावित्री, इतने बड़े घर में जन्म लेकर तुमने मुझ जैसे आदमी को अपना जीवन साथी बनाना कैसे मंजूर कर दिया? ये क्या कह रहे हैं आप? जो आदमी मेहनत के सहारे जिंदगी में कुछ बनकर दिखाता है वो तो पूजा के काबिल होता है। मैंने अपने जीवन साथी के लिए जो सपने देख रखे थे वो सब के सब आपने पूरे किए। सावित्री, सिर्फ मेहनत से आदमी जीवन में सफल नहीं होता, सर पर मालिक का हाथ भी होना चाहिए। मैं जो कुछ भी हूँ अपने कृष्ण कन्हैया की दया से हूँ। छोड़िए ऐसी बातें। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा श्री कृष्णा हरे। सावित्री जी, मैंने शादी से पहले मन्नत मांगी थी कि मैं शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने गांव वाले मंदिर में दर्शन के लिए आऊंगा, तो हमें अभी जाना। क्षमा कीजिए लेकिन मैं तो नहीं जा सकती, बल्कि आज शाम को मेरी सहेलियों ने हम दोनों को पार्टी में इनवाइट कर रखा है हमारी शादी की खुशी में। आपको भी तो मेरे साथ चलना है। सावित्री, मैं तुम्हें मंदिर में जाने के लिए कह रहा हूँ। और मैं आपको पार्टी में जाने के लिए विनती कर रही हूँ। तो क्या तुम्हारी नजर में दावत का दर्जा भगवान के दर्जे से बड़ा है? ये मैंने कब कहा? मंदिर के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं, वो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन किसी की दावत मानकर टाल जाना अच्छा नहीं लगता। आप मुझे मेरी सहेलियों के नजर में मत गिराइए, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए आपका भगवान तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन मेरी सहेलियां मुझे कभी नहीं माफ करेंगी। अपने भगवान के दर्शन तो आप अपने मन में झांक कर भी कर सकते हैं, जो काम घर में हो सकता है उसके लिए इतनी दूर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? बस करो सावित्री, बस करो। मेरे भगवान को और क्रोध में मत लाओ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मंदिर चलोगी या नहीं चलोगी। क्षमा कीजिए लेकिन मैं नहीं आ सकूंगी, मेरे भगवान आप हैं, आपको मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ। फिर मैं क्यों ऐसे एक भगवान को मानूं जिसको मैंने तो क्या आज तक किसी ने भी नहीं देखा। सावित्री, ये विचार है तुम्हारे? क्या मेरी पत्नी मुझसे ये कह रही है? देखिए पति और पत्नी का बंधन अमर होता है, उन दोनों की जुबान पर भी वही होना चाहिए जो उनके मन में हो। एक दूसरे का होकर भी दिखावे और झूठ से क्या मतलब? आप तो जानते हैं
मेरे पिता मंदिर के एक ट्रस्टी हैं, लेकिन आज तक मैंने उस मंदिर में कदम तक नहीं रखा। आप मुझे गलत मत समझिए, आपको जो रास्ता पसंद है आप उस रास्ते पर चलिए और मैं अपने रास्ते पर चलूंगी। महाराज, पांडे जी कहाँ है? कौन पांडे जी? मेरे बाबा, जो बरसों से इस मंदिर के पुजारी है। वो पुराने पांडे जी, वह तो 2-3 वर्षों यह मंदिर छोड़कर चले गए थे। चले गए? क्यों? सुनते हैं कोई कृष्ण भक्त राजू रहता था, यहाँ के जमींदार ने राजू का अपमान करके उसे यहाँ से निकाल दिया। दूसरे दिन ही पांडे जी भी अपने आप यहाँ से चले गए। मेरे मालिक, मेरे बंधु, आ गया तेरा राजू। जिन वस्त्रों में यहां से गया था उन्हीं वस्त्रों में आया हूं। अगर बंठन के आता तो क्या तुझे अच्छा लगता? जिसने मुझे दुनिया का सब कुछ दिया क्या उसी को शांति खाता? तेरे दरबार में तो राजा महाराजा भी भिखारी, फिर मैं कौन होता हूं? ये सोने का मुकुट लाया हूं। सोना तेरा है लेकिन श्रद्धा मेरी है। राधे कृष्ण बोल मुख से, राधे कृष्ण बोल मुख से, राधे कृष्ण बोल तेरो क्या लागे रे मोल, तेरो क्या लागे रे मोल, तेरो क्या लागे रे मोल। ओ Oh,
हो? श्याम सांवरे, मैंने 10,000 रुपए की अगरबत्तियां जलाकर राख कर दी। अब ये मेरी आखिरी अगरबत्तियों का पैकेट है और मैं तरसा श्याम मेरी मनोकामना पूरी कर दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ गया आ गया, नहीं छोड़ूंगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये लो। चला क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नोट, पैसा ही पैसा, नोट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 100 के हजारों नोट। शाम, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। मंदिर से जो शांतिपूर्वक हो गई पूजा में जो शांति मिलती है वो तो मैं नहीं जानता। तुम्हारी पार्टी कैसे? सर ऐसा हादसा हो गया, वहाँ आग लग गई, सारा मजा किरकिरा हो गया। हरे कृष्णा। हादसे का हरे कृष्ण से क्या संबंध? जब भगवान पे तुम्हें विश्वास ही नहीं तो फिर बहस करने से क्या फायदा। ये पूजा का प्रसाद है, जी में आए तो जन्म सफल कर लेना, वरना इसे पूजा के कमरे में रख देना। तुम नारंगी हो? मैं नारंगी नहीं, मैं इस नारंगी जी हूँ। वैसे ऐसे घटिया बाजार में आना था तो मेरी शान के खिलाफ, लेकिन मैंने सोचा अपने पुराने मिलने जुलने वालों का दुख सुख पूछाऊं। रामचंद्र जी इधर आइए, कहिए बिजनेस कैसा चलता है? ये धंधा तो मंदा है, कर्ज यहाँ तक आ गया है। अरे हम मुँह क्यों बसोरते हो? मिस नारंगी के होते हुए तुम्हें क्या परवाह? ये लो, माया माया से बनती है। नारंगी साढ़ा भी पला कर दे। एक हसमा नुखानी है, नारंगी होएंगी तेरी माँ। तू, मैं तो मिस नारंगी हूँ, दफा हो। नारंगी मुझे तो कुछ तो। ओ मासी, तुमने तो मुझे मिस नारंगी कहा है। मिस नारंगी? यस माय स्वीट मी। मैंने 6 महीने से दुकान का किराया नहीं दिया। ये लो, तुम भी लो। ए नारंगी। अबे तमीज से बात कर, अब मैं 4 रुपए दर्जन संतरे बेचने वाली नारंगी नहीं हूँ। तो अब तेरे संतरों का भाव बढ़ गया है? तेरे तेरे क्या करता है? आप बोलना, मैं लखपति हो गई हूँ। आए हाय, कल तक तो तुझे एक पति भी नहीं मिलता था, आज लखपति कहाँ से मिल गए? हाय 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 हाय, ये कपड़े कहाँ से मार दिए? ये सर पे कबूतर का घोंसला? अरे कल तक तो तूने जोगन के कपड़े पहने हुए थे और आज तो ऐसी लग रही हो जैसे सोनिया सहानी है, है? नारंगी ये तुम्हारी कायाकल्प कैसे हो गई? ये सब बंसरी वाले की कृपा है। हाँ तो तूने बंसरी वाले को जरूर कोई चकमा दिया होगा। इडियट कहीं का। देख हमारा टाइम ओवर हो रहा है, हमसे बहस मत कर। मूर्ति हमारे पास इतनी दौलत है कि संभाले नहीं संभलती। तू हमारा सेक्रेटरी बनेगा? सेक्रेटरी? और क्या कह रही हूँ, 4 जमात पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी भी ठीक नहीं बोलता, बनेगा ना? काम क्या करना होगा? यही रुपए लेने देने का हिसाब किताब रखना। लेने देने का हिसाब किताब? हाँ, और मेरे सिंगार के लिए बाजार से टॉयलेट का सामान खरीदना। टॉयलेट? और मुझे जो मिलने आएंगे ना उनसे, वो उनसे पोस्ट कार्ड लेना। पोस्ट कार्ड? समझा समझा, पोस्ट कार्ड लूंगा। तनखा क्या देंगी? तनखा 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए अच्छा सा बाथरूम और 50-100 रुपए। 50 या 100? अंग्रेजी नहीं समझता, 500 रुपए। ओहो 500 रुपए। कुछ एडवांस मिलेगा? ये ले 700 रुपए, जा बाजार से सूट बनवा ले। मेरे बंगले पर आना होगा तो सूट पहन कर आना। मधुकर शाम हमारे चोर, मधुकर शाम हमारे चोर। अगर आप इस तरह सारा दिन भगवान का नाम जपते रहेंगे तो दुनियादारी के काम कौन संभालेगा? सावित्री, जिसने काम और धाम दिया है उसका नाम तो लेने दो। काम और धाम के लिए आपने दिन रात पसीना बहाया है। लेकिन पसीना बहाने की शक्ति तो भगवान ने ही दी है सावित्री। काम करना इंसान का धर्म है,
फल देना उसके हाथ में है, और फिर अगर दरबान मालिक का ख्याल रखेगा तो क्या मालिक दरबान का ख्याल नहीं रखेंगे? बहस में तो मैं आपसे कभी नहीं जीत सकती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि खाने के लिए आपको डाइनिंग रूम तक जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे बिठाए भगवान आपके मुंह में खाना नहीं डाल देगा। क्यों नहीं? बातों से क्या होता है। सीधी सी बात है, अगर भगवान मेरे जैसे आदमी के खजाने भर सकते हैं तो वो अगर चाहें तो मुझे यहाँ बैठे बिठाए खाना दे सकते हैं। तो फिर आवाज दीजिए उसे। सेठ जी। कहिए। सेठ जी, मैं अपने लड़के की शादी करके आ रहा हूँ। शादी गाँव में थी इसलिए आपको बुला न सका। ये थोड़ी सी मिठाई स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते जी। नमस्ते। देखा सावित्री, भगवान यहाँ बैठे बिठाए भी अपने भक्त का पेट भर सकते हैं। आम के पेड़ पर तोता अगर आम को तर कर किसी की झोली में डाल दे तो उसे भगवान का प्रसाद नहीं समझ लेना चाहिए। इत्तफाक को भगवान नहीं कहते। ये मेरे सांवरे, तूने सारी दुनिया में प्रकाश कर रखा है और तेरा ये भक्त अपनी पत्नी के मन में उजाला नहीं कर सकता। उन महान लोगों ने कितनी तकलीफें उठाई होगी जिन्होंने अंधकार में डूबे हुए लोगों को तेरा रास्ता दिखाया। कहीं यहाँ वर्दी सिलवाने आते हैं? क्यों भाई, आज ड्यूटी के बाद कपड़ा खरीदने आ गए? हम यहाँ कपड़ा खरीदने नहीं आए। हाँ, प्यास लगी होगी इसलिए सोडा लेमन पीने आ गए। अरे भाई, देखता क्या है, जल्दी से सोडा लेमन मंगवा, वरना ये तुम्हारे मालिक का स्मगलिंग केस में चलान कर देंगे। अपने हाथ बढ़ाओ। आप ज्योतिष विद्या भी जानते हैं? देखिए देखिए, मेरे हाथ की लकीरें कितनी गहरी हैं। हाँ हाँ, आज से तुम्हारे सारे बदल रहे हैं। कांस्टेबल, हथकड़ी पहनाओ। अरे ये बेचारा तो नादान है। मैं इससे नहीं, तुमसे कह रहा हूँ। इस दुकान के मालिक ने हमें फोन करके बुलवाया है। जो नोट तुमने इसे दिए थे वो जाली नोट थे। जाली नोट? आइए आइए मासी जी, आए। ए नारंगी, रख अपने नोट अपने पास। अरे खैर, तो मेरे नोटों में क्या कीड़े पड़े हैं जो तुम लोग वापस करके जा रहे हो? नारंगी, मजाक करना था तो मूर्ति से किया होता, वो तो कुमारा है लेकिन हम तो बाल बच्चेदार हैं। अरे बात क्या है, कुछ तो समझाओ, कहाँ है मूर्ति? उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। छुट्टी, इधर आओ। नारंगी, तू आ गई, तुझे तो मुझसे यहाँ पहले आना था लेकिन ये लोग मुझे पहले आए। इंस्पेक्टर साहब, लेडीज फर्स्ट। अरे पुलिस कौन होती है मुझे यहाँ लाने वाली, मैं तो यहाँ खुद आई हूँ। अब मुझे तसल्ली हुई। नारंगी, वो नोट तुमने मुझे दिए थे? हाँ मैंने दिए थे। पकड़ा। इंस्पेक्टर साहब, इसका बयान नोट कर लीजिए, मैं अपने आप को रिहा करता हूँ अभी। नहीं तो क्या आपको जमानत की जरूरत है? बैग मत खोल नारंगी, बैग मत खोल। अरे मूर्ति, तुझसे ज्यादा क्या मुझे दौलत प्यारी है? बोलिए इंस्पेक्टर साहब, कितना चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000? इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल वैसे नोट, सगे भाई। 7 नोटों के लिए तो आपने मुझे अंदर कर दिया था। नारंगी के पास तो इतने नोट है, क्या इसको फांसी हो जाएगी? स्टैंड अप। मूर्ति, तुझसे कह रहे हैं। मैं तो खड़ा ही हूँ। श्रीमती जी, आप खड़ी हो जाइए। मैं? साफ साफ बताओ, ये जाली नोट तुम्हें किसने दिए? जाली नोट? हे बंसी वाले, ये जाली नोट है? मैंने तो तेरी पूजा असली नोटों से की थी, तूने प्रसाद में मुझे जाली नोट दिए। अरे नारंगी, झूठी पूजा का प्रसाद तो जाली नोट ही होगा। तू चुप कर। जनाब, वो जाली नोट छापने वालों का सरदार पकड़ा गया, ये है वो आदमी। हाँ सरकार, यही है, बिल्कुल यही है। तुमने इस लड़की को कहीं देखा? जी सरकार, जब मैं पुलिस के डर के मारे मंदिर में छिपने के लिए भाग रहा था, मेरा पांव केले के छिलके पर से फिसला और मैं गिर पड़ा। अरे मैं तो समझी थी तुझे मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसीलिए लोहे की सलाख लेकर मैं तेरी तरफ भागी थी। कांस्टेबल, इस आदमी को हवालात में बंद कर दो। जी जनाब। बारह बज रहे हैं, आप सो जाइए ना। तुम्हें मालूम नहीं मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ?
ओहो, भगवत गीता तो आपको और न बिछोना है। अच्छा, एक ही किताब आप रोज रोज पढ़कर बोर नहीं हो जाते? सावित्री, तुम रोज चाय पीती हो, दोपहर को रात को खाना खाती हो, दिन को जागती हो, रात को सो जाती हो, क्या तुम्हारा दिल उकता नहीं जाता? खाने पीने और नींद के बगैर दिल दिल क्या? तो फिर उसी तरह भगवत गीता के जाप के बगैर मेरा जीवन कुछ नहीं। ये कोई नॉवल नहीं जो पढ़ा और फेंक दिया। भगवत गीता जितनी बार भी पढ़ी जाए, कोई ना कोई नई बात समझ में आती है। जैसे खाने पीने और सोने का जीवन से संबंध है, उसी तरह भगवत गीता के जाप का आत्मा और परमात्मा से संबंध है। फिर वही भाषण, न किसी ने आत्मा देखी है न परमात्मा। अब सुबह तक पढ़ेंगे क्या? जब तक नींद नहीं आएगी तब तक तो जरूर पढ़ूंगा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चलिए ना। ये जरूरी थोड़ी है कि जब तक मैं जागू तुम भी जागो। जाओ सावित्री, सो जाओ। अच्छा जी। मुझे क्या होना? लेकिन तुम क्यों कांप रही हो? क्या हुआ? अभी अभी गुंडे ने आपके सीने पर छुरे से वार किया था। मेरे सीने पर? हमला तो उसने आप पर किया था, लेकिन ये किताब? मैं भगवत गीता पढ़ते पढ़ते सो गया था। भगवत गीता मेरे सीने पर ही रखी थी। अगर मेरी आंख न खुलती तो वो गुंडा आप पर फिर हमला करता। ये तो मेरी अच्छी किस्मत है कि आप। तुम्हारे सुहाग का रखवाला मेरा बंसी वाला है। आज ये भगवत गीता ने ढाल बनकर मेरे जीवन की रक्षा की और उसी ढाल ने आज छुरे का वार रोक लिया, वरना तुम्हारा सुहाग। ऐसा मत कहिए। अब सो जाइए। इंसान सोता है और भगवान जागता है। जब तक उस रखवाले को मंजूर नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काश मेरा कोई दिल चीर देता, लेकिन मेरी भगवत गीता परवाह ना करता। बाबूजी, बाबूजी, आपसे कोई साधु महाराज मिलने आए। साधु जी? स्वामी जी, स्वामी जी। राधे कृष्ण, उठो बेटा। बिराजी, बिराजी ना, आज कितना शुभ दिन है कि आपने मेरी कुटिया में कदम रखे। जब उसकी इच्छा हुई आ गए, और फिर मैं तुमसे बहुत दिनों से मिलना भी चाहता था बेटा। स्वामी जी, मैं आपको खोज खोज कर थक गया, लेकिन आज आपको अचानक यहाँ देख कर मेरा मन खिल उठा। आप ही ने तो मुझे भगवान का सच्चा मार्ग दिखाया था। देखिए ना, आज मेरे बंसी वाले ने वारे न्यारे कर दिए। हरे कृष्ण, ये सब उसकी दया है। तुम्हें याद है बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि भगवान सदा भक्त के अधीन होते हैं। हाँ हाँ स्वामी जी, याद है। बेटा, जब मैंने देखा तुम्हारे घर के बाहर लिखा हुआ है श्याम निवास, मुझे बड़ा आनंद हुआ। अब तो श्याम तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे दिल में भी बस गए हैं। मैं देख रहा हूँ तुम श्याम रंग में बिल्कुल रंग गए हो। स्वामी जी, आपकी दिव्य शिक्षा मेरे काम आई। विश्वास का दीपक जो आपने मेरे मन में रोशन किया, उससे मेरे जीवन में उजाला ही उजाला आ गया। आप जैसे ज्ञानी की महिमा मैं कैसे गाऊं? नहीं बेटा, नहीं। महिमा मनुष्य की नहीं गाई जाती, भगवान की गाई जाती है। और मैं तो स्वयं इस भवसागर में एक डोलता हुआ तिनका हूं। उस दिन जब तुम अंधकार में डूबे हुए मुझसे मिले थे, याद है मैंने तुमसे कहा था यदि तुम त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश पर विश्वास रखोगे तो अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव, आपने सच ही कहा था। ये सब बंसी वाले की कृपा है। देखिए ना, कितना बड़ा कारोबार है, दौलत का भरमार है, और एक सुशील सुंदर अर्धांगिनी भी मिल गई। अगर आपकी आज्ञा हो
तो मैं उसे यहाँ ले आता हूँ, आपके आशीर्वाद से उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। ले आओ बेटा। लोग कहते हैं कि विज्ञान शास्त्र की उन्नति से जगत नास्तिक होता जा रहा है। बड़े आनंद की बात है कि उसी जगत में आज भी राजू जैसे सत्पुरुष हैं जिन्होंने परमेश्वर को पूर्ण रीति से आत्मसमर्पण किया है। सावित्री चलो, हमारे घर में एक महान आत्मा है, बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। चलो उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले लो। जी नहीं, साधु संतों के चरण छूने का मुझे कोई शौक नहीं। सावित्री वो मामूली आदमी नहीं है। तो क्या हुआ, माला जपने और बहुत लगाने से कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता? आहिस्ता सावित्री आहिस्ता, तुम्हारे कड़वे शब्द सुनकर उनका दिल टूट जाएगा। तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? देखिए आप साधु संतों की कहानी अपने पास रखिए। एक बार सावित्री मेरी बात मान लो। मैं आपके हर इशारे पर जान दे सकती हूँ, लेकिन ये अंधाधुंध की भक्ति मेरे बस की नहीं। स्वामी जी बालक, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का वार्तालाप सुना, निराश ना। पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। जो मतभेद आज तुम दोनों में है उसे सांसारिक जीवन का एक विकार समझना जो चिरस्थाई नहीं है। समय एक दिन अपने आप तुम दोनों के विचार को निकट ले आएगा। जिस तरह एक दिन तुम्हारा विश्वास भगवान पर से हट गया था और तुमने उस भूल का प्रायश्चित किया था, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान तुम्हारी पत्नी के मन की शंका भी दूर कर देंगे। देखो सावित्री, तुम्हारी जिद के कारण एक महान आत्मा मेरे घर से लूट कर चली गई। मैं पल दो पल मान सम्मान भी न कर सका। अगर वो एक सच्चा साधु है तो उसको आपके मान की क्या जरूरत है? अगर आप मुझसे कहते कोई बुजुर्ग आदमी आए हैं तो मैं कम से कम उनकी उम्र का लिहाज करके उनके पांव छू लेती। लेकिन मुझे क्या पड़ी है कि साधुओं के मैले पांव की मिट्टी अपने माथे पर लगाती फिरूं? जिन पांव को तुम मैले कहती हो सावित्री, वो पांव भगवान की राह में चलकर मैले हुए। फिर तुम मेरी पत्नी हो। जिस आदमी की इज्जत तुम्हारा पति करता है उसकी इज्जत करना तुम्हारा धर्म है। देखिए मेरा धर्म सिर्फ आपकी इज्जत करना है। आप मेरे पति हैं, आपने मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ली है। अगर मेरा कोई भगवान है तो सिर्फ आप हैं। अगर मैं तुम्हारा भगवान होता तो तुम मेरी बात ना मानती? आप वहम में घिरे हुए हैं, आपके मन में डर भरा हुआ है और आप उस वहम और डर को भगवान के नाम से याद करते हैं। क्या वहम और डर का नाम भगवान है? तो और क्या, जैसे आप हमेशा कहा करते हैं कि भगवान यहाँ है, वहाँ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, क्या ये वहम नहीं है? तो मुझे कोई ऐसी जगह बता दो सावित्री जहाँ भगवान न हो। आप मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ भगवान हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। अरे सावित्री, इस कागज में भी भगवान है। तो क्या तुम इसकी हस्ती मिटाकर दिखा सकती हो? इस एटम बम के जमाने में जब एक एटम बम से सारा शहर सारा मुल्क तबाह किया जा सकता है, एक कागज नहीं? नहीं। तो अभी देखिए, अब बोलिए, जवाब दीजिए। सावित्री, तुम इसकी हस्ती नहीं मिटा सकती हो। कागज को फाड़कर तुमने कागज की शक्ल बदल दी। पहले एक कागज था, अब कई कागज के टुकड़े हो गए हैं, लेकिन कागज कागज ही रहा है सावित्री।
किसी चीज को बनाने और मिटाने की शक्ति सिर्फ भगवान में है, सिर्फ भगवान में। ये सिर्फ बहस है, कोई दलील नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सावित्री, सीधी सी बात है, अगर भगवान नहीं है तो ये धरती कहाँ से आई, आसमान कहाँ से आया। मैं आपको समझाती हूँ, सूरज का गोला घूमता रहता है, सूरज के कई हिस्से टूटकर गिरते रहे, एक टुकड़ा गिरकर सदियों तक ठंडा होता रहा और उसका नाम धरती पड़ गया। कुछ हिस्सा खुश्क रह गया, तिहाई हिस्सा खुश्क होकर जमीन बन गया और बाकी का हिस्सा समुंदर। खुश्की में हवा और मौसमी की तब्दीली से कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे और समुंदर में मछलियां। धरती पर छोटे छोटे जीव जंतुओं के साथ साथ बड़े बड़े जानवर भी पैदा हो गए, जिनमें बंदर भी थे। हजारों बरस के बाद बदलते बदलते बंदर के अंग से बंदर जैसी एक और चीज, जिसे वक्त ने संवारा इंसान कहलाने लगी। ये मेरी अपनी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें यही सिखाया, वाह। लेकिन सूरज का एक टुकड़ा गिरकर धरती बन जाए, ये किसकी रजा थी, किसका हुक्म था? जीव जंतु धरती की जगह सागर में क्यों ना पैदा हो गए? मछलियां सागर की जगह धरती पर क्यों ना पैदा हो गई? पेड़ उगे लेकिन बीज कहां से आया? तुम्हारी शिक्षा के मुताबिक हर चीज का बीज सूरज है। चलो ऐसा ही सही सावित्री, मैं उस बीज को, उस सूरज को भगवान मानता हूँ, तुम भी मानो। नहीं नहीं, सूरज सूरज है, भगवान नहीं हो सकता। तो क्या राम कृष्ण ईसा मोहम्मद कोई नहीं थे? कंस को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था? कौरवों और पांडवों का युद्ध कभी नहीं हुआ था? क्या ये महाभारत के किस्से गलत है? ये जो भगवत गीता, ये उपदेश क्या किसी कृष्ण ने किसी अर्जुन को नहीं दिया था? ना कोई अर्जुन था, ना कोई कृष्ण। क्या था? कृष्ण कोई नहीं था? नहीं 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 नहीं। मार डालिए मुझे, जान से मार डालिए, लेकिन मेरा विश्वास अपने जगह है। शादीशुदा औरत का भगवान सिर्फ उसका पति होता है। अगर आपको मेरे इस विश्वास से चिढ़ है तो जाइए किसी साधु सन्यासी या महात्मा से पूछ लीजिए, जो कुछ भी मैंने कहा है क्या वो गलत है। अगर सचमुच कोई भगवान है तो वो भी मेरी इस बात को कभी नहीं झुटला सकता कि शादी के बाद पत्नी का भगवान सिर्फ उसका पति होता है। तुम मट्टी के उस शरीर को भगवान मानने के लिए तैयार हो जो मट्टी से पैदा हुआ और मट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जिस भगवान ने उस मट्टी के पुतलों को बनाया उसे भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारी मेरी कभी नहीं मिट सकती, हमारा ये रिश्ता बस आज तक था। मेरा त्याग करने से आपको भगवान नहीं मिल जाएगा। छोड़ दो मुझे, तुमने मेरे कृष्ण कन्हैया का अपमान किया है, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। छोड़ दो मुझे। तुम सिर्फ एक पत्थर हो, लेकिन मेरा भगवान इस पत्थर को भगवान समझता है। आज वो मुझे समझे बगैर मुझे ठुकरा कर इस घर से चले गए। वो तुम्हारे भगत हैं, तो फिर इस घर में फूट का कारण तुम ही हो। इस घर की शांति और दो दिलों के प्यार में तुम एक दीवार बनकर खड़े हो। तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, नहीं रहने दूंगी। सावित्री, बहुत दिनों से तुम्हारी तरफ से कोई समाचार न आने के कारण मैं तुम दोनों से मिलने आ रहा था। रास्ते में राजू मिल गया, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। क्या कहा उन्होंने? घर का बिगड़ा हुआ नक्शा दिखाया। राजू तो कह रहा था अब वो तुम्हारे साथ एक पल भी गुजर नहीं कर सकता, और तो और उसने मुझे साफ साफ कह दिया है कि मैं अपनी लड़की को अपने घर ले जाऊं। उसके ख्याल में इसी में तुम दोनों की भलाई। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए तालीम दी थी सावित्री कि शादी के बाद एक फजूल की वैस छेड़कर अपने और अपने पति के बीच में जुहार खड़ी कर लो? शादी के बाद हर लड़की का फर्ज होता है कि पति की हर जरूरत देखे और समझे और उसी के रंग में अपने आप को रंगे। तुम कितनी भाग्यवती हो सावित्री जो राजू जैसा पति मिला है तुम्हें।
फिर भी तुम उसके मिजाज को नहीं समझती, फिर भी उसके कहे मुताबिक ग्रेस के रास्ते पर नहीं चल सकती। बेटी की शादी के बाद उसे शिक्षा देने का अधिकार पिता को नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, गृहस्थ के रास्ते पर चलने के लिए कदम फूक फूक कर उठाना चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा चला। पिताजी, बेटे, एक बाप बेटी को जितना समझा सकता है मैंने इसे समझा दिया, अब मुझे जाने दो। पिताजी। सावित्री, तुम्हें कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, एक बात सुन लो, आज के बाद इस घर में उस वक्त कदम रखूंगा जब राजू की तरफ से मेरे पास पैगाम आएगा कि तुमने उसके आगे सर झुका दिया है और अब तुम दोनों में कोई भाव भेद नहीं है। उस वक्त तक न मैं तुम्हारा बाप हूं और न तुम मेरी बेटी हो। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। क्षमा किस बात की? मैंने आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं छुपाया, न छुपाऊंगी। आप जब गुस्से में रूठ कर यहां से चले गए, मैं अपने आप पर काबू ना पा सकी। मैंने आपके किशन भगवान की मूर्ति को उठाकर बाहर फेंकना चाहा। पापुन, तूने मेरे बंसी वाले को हाथ लगा? जब कोई सच बोलता है उसकी बात शांति से सुननी चाहिए। जब मैं ऐसा कर रही थी मुझे हॉर्न की आवाज सुनाई दी और मैं समझी कि आप आ गए। उस वक्त मेरा बदन तूफान में तिनके की तरह कांपने लगा और मैं वापस चली आई। क्या तू भगवान के क्रोध से सहम गई थी? मैं आपकी दासी हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी का पहिया एक मोड़ पर आकर रुक जाता है जिस मोड़ का नाम है भगवान। अब ठंडे दिल से सोचकर मुझे ये बताइए कि मैंने कभी पत्नी के फर्ज को निभाने में जरा से भी गफलत की है? अगर नहीं की तो इस भेदभाव का कारण क्या है? देखिए, मैं आपसे एक बात हाथ जोड़कर पूछती हूँ कि जैसे आप मुझे हर रोज पूछते हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने सर झुकाओ, मंदिर में जाकर पूजा करो, अगर इसी तरह मैं भी पत्नी का अधिकार मानकर आपसे कहूं कि आप भगवान को पूजना छोड़ दें, कि आप छोड़ देंगे? मैं कैसे छोड़ सकता अपने भगवान को? जैसे आप अपने भगवान को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैं अपना मिजाज, अपनी आदत को कैसे छोड़ सकती हूँ? पूजा करना भी एक आदत है, पूजा ना करना भी तो एक आदत है। भगवान को मानना आदत नहीं बल्कि हमारा धर्म है। बार बार इस लकीर को क्यों खींचना? इस घर में सब कुछ है, अगर तकरार है तो सिर्फ एक बात की, भगवान है या नहीं। आप मानते रहिए कि भगवान है, मैं मानती रहूंगी मेरे भगवान सिर्फ आप हैं। क्या हमने दूसरे शादीशुदा लोगों की तरह एक दिन भी खुशी का गुजारा है? देखिए, अगर हम चाहें तो हंसकर एक दूसरे की बात को टाल सकते हैं। बालक, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का वार्तालाप निराश। पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। जो मतभेद आज तुम दोनों में है उसे सांसारिक जीवन का एक विकार समझना जो चिरस्थाई है। समय एक दिन अपने आप तुम दोनों के विचार को निकट ले आए। जिस तरह एक दिन तुम्हारा विश्वास भगवान पर से हट गया था और तुमने उस भूल का प्रायश्चित किया था, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान तुम्हारी पत्नी के मन की शंका भी दूर कर देंगे। सावित्री, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। जब तक तुम्हारे मन में भगवान की श्रद्धा ना हो मैं तुम्हें पूजा पाठ के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा, और आज से इस बात पर तुम्हारा हमारा कभी झगड़ा नहीं होगा। तो फिर चलिए, कुछ दिनों के लिए इस घर की घुटन छोड़कर किसी हिल स्टेशन पर चले। ख्याल पता नहीं, मैं आज ही प्रोग्राम बनाता हूँ और पिताजी को एक कार भी दे देता हूँ। किस लिए? बाप और बेटी का मिलाप होना बहुत जरूरी है, और ये भी लिख देता हूँ कि जंग होकर सुलह होगी, उनके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं तो कुछ और समझी थी कि पिताजी हमारे साथ पहाड़ पे आ रहे हैं। Thank you.
काम की जो भरमार पड़ी है
महीना दो महीना इतना जी लगा के काम करना पड़ेगा कि गालों की सुर्खी भी हवा हो जाएगी। जिंदगी के लिए दोनों ही चीजें जरूरी है, काम भी और आराम भी। अरे हाँ, वो मूर्ति आएगा उसे उसी तरह निपटाना जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया। अच्छा, अच्छा। देख राजू भैया आ ही रहे होंगे, जैसा मैंने तुमको सिखाया है फुल साइज प्रणाम करने का, समझी? फिर क्या होगा? अरे तेरे दिमाग में तो भूसा भरा। देख वो आ गए। राजू भैया, 1 2 3। अरे मूर्ति, ये क्या? उठो उठो उठो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे बंसी वाले, हमें क्षमा कर दे, हमने राजू भैया की गहराशी में शादी कर ली। इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है मूर्ति, मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हुई। जी खुशी तो होनी थी, लेकिन आपके बगैर शादी क्या होनी थी। वो तो मुहूर्त बहुत अच्छा निकला हुआ था और सारे शहर में शादियां हो रही थी, अपने पड़ोस में भी हो रही थी। तो वहाँ की शादी खत्म हुई तो हमने दूल्हा दूल्हा का हार मंगाया और पहन लिया। पंडित जी शादी कर जा रहे थे, हमने कहा पंडित जी हमारे भी शादी करते जाइए क्वार्टर रेट में, तो उनको 1.25 रुपया दे दिया। पंडित जी ने 2 फेरे फिरवाए और चलने लगे। हमने कहा पंडित जी 7 फेरे होते हैं, कहना जी क्वार्टर रेट में सिर्फ 2 ही फेरे होंगे, बाकी के 5 फेरे हमने कर लिए। हाँ, अपनी गली से एक बैंड जा रहा था, बैंड वाले को कहा हमारे घर के बाहर भी भाई बैंड बजा दो, तो उसने हमारे घर के बाहर बैंड बजा दिया, हमने 1 रुपये दे दिया। लोगों को लगा बैंड हमारी शादी के लिए आया था। चलो मुफ्ती से, लेकिन काम तो हो गया। मुफ्ती बहुत दिनों बाद लौटा ना, दुकान पर बहुत काम काज है, मैं चलता हूँ। शादी मुबारक हो। चला गया, बैग भी नहीं खोला। मूर्ति, भाभी जी, भाभी जी ये है मेरी नारंगी, मेरा मतलब मेरी पत्नी नारंगी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उठो, सुखी रहो। देखा मूर्ति, मैं ना कहती थी सावित्री भाभी का दिल दिल्ली से पेशावर तक बड़ा है। नारंगी, ये क्या बात कही? जी कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो मैंने इससे कहा था कि राजू भैया का दिल मुर्शिदाबाद से लेके मुरादाबाद तक बड़ा है। सच तो है, ये भेंट देने के लिए वही मुझसे कह कर गए। राजू भैया ने कहा था? देख लिया, देखा। अरे हाँ, वो जो 2 कमरे मेहमानों के लिए पछवाड़े में बना रखे हैं, अब तुम दोनों वही शिफ्ट कर लो। ये भी भैया ने कहा था? सुना सुना। सुन लिया बाबा, सुन लिया। भाभी भैया से अच्छी है और भैया भाभी से। तू तो बड़ी चालाक है, दोनों की चमचागिरी कर रही है। आप यहाँ कैसे? पहले आज मुंह मीठा कराइए, फिर बताऊंगा। इस घर में मिठाई की क्या कमी है, बंसी वाले का प्रसाद ही प्रसाद है, बताइए ना। राजू बाबू, आप सुनकर बहुत ही खुश होंगे कि आपके आंगन में एक नया फूल आने वाला है। सावित्री, जो बात तू खुद न कह सकी वो डॉक्टर से खिलवा दी, क्या ये सच है? डॉक्टर लोग क्या झूठ बोलते हैं? अच्छा ये बात है? घड़ी घड़ी दांत मत दिखाया करो, जानती हूँ 2 बार टूथपेस्ट से साफ करते हो। कैसा जुल्म करती हो, कभी कभी तो हम मूड में आते हैं और तू उस वक्त परे परे भागती है। देखो जी, मुझे तुम्हारी ये बेमायने हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ हमारी हंसी अच्छी नहीं लगती, बेईमानी हो गई। तुझे क्या दूं, तुझे कैसे खुश करूं, क्या चाहिए तुझे बताऊं? हाँ बताओ बताओ। मुझे मुझे वो चाहिए। अरे लोगों की बीवी अपने हस्बैंड से नेकलेस के लिए, साड़ियों के लिए, चूड़ियों के लिए कहती है, और तूने फरमाइश की तो एक कैलेंडर की। अरे ऐसे तो सैकड़ों कैलेंडर तेरे चरणों तले बिछा दूंगा। हे भगवान, तुम्हारी अक्कल भी बड़ी मोटी है। अरे मुझे कैलेंडर नहीं चाहिए, कैलेंडर पे बना हुआ जो बच्चा है ना वैसा बच्चा चाहिए। वैसा बच्चा चाहिए? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैसे होगा? देखो तुम राजू भैया की तरह हफ्ते में 1 बार व्रत रखा करो। और तू? मैं सावित्री भाभी की तरह रोज कच्चे आम खाऊंगी। अच्छा तो तुम हमें भूखा मारना चाहती हो और खुद आम खाना चाहती हो? देखो बच्चा हासिल करने के लिए माँ बाप को सब कुछ करना पड़ता है, तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा। व्रत रखना पड़ेगा? बच्चा गोरा चिट्टा किसी अंग्रेज का लगता है, और मैं कैसे?
हे भगवान, मेरे कुल का नाम आगे बढ़ाना। मुन्ना पैदा हुआ है। मुन्ना? राजू बेटा, राजू बेटा, मुबारक हो, मुन्ना पैदा हुआ। अच्छा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। डॉक्टर? राजू बाबू, ऐसी डिलीवरी का केस मैंने पहली बार देखा है। शुक्र है भगवान का, आपकी पत्नी की जान बच गई। पत्नी की जान बच गई? मेरा मुन्ना? मुन्ने के हाथ पांव बिल्कुल नहीं हिलते। अफसोस, गर्भ में ही मुन्ने को लकवा यानी पैरालिसिस हो गया। बस ये समझिए कि बेजान सी जिंदगी है। क्षमा कीजिए, आपका सपना पूरा तो हुआ, लेकिन इस तरह कि आंख खुलने से नींद ही अच्छी थी। कितना अरमान था हम दोनों को कि हमारी गोद में बेटा खेलेगा, लेकिन लेकिन बेटा भी हुआ। सावित्री, इसमें तुम्हारा क्या दोष, ये तो विधि का विधान है। जब भी विधि किसी दरवाजे पर दस्तक देती है तो दरवाजा कभी बंद नहीं रह सकता। खबर अच्छी हो या बुरी, विधि कोई नहीं टाल सकता है। आप इसको विधि कह सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि शायद गर्भ में कुछ नुक्स पड़ने की वजह से ऐसा बेटा पैदा हुआ। नहीं 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 सावित्री, मुझे विश्वास है, क्योंकि तुमने कभी भगवान की हस्ती को नहीं माना, इसलिए तुमको ये सजा दी है उसने। सजा? मानती हूँ कि आपके भगवान ने मुझे इसलिए सजा दी कि मैं उसकी हस्ती को नहीं मानती, लेकिन लेकिन आप तो मानते हैं ना, फिर आपके दयालु भगवान ने आपको यह सजा क्यों दी? बेटा सिर्फ मेरा है, आपका नहीं? खामोश क्यों है? जवाब दीजिए, अब कहाँ है आपका बंसी वाला, पूछिए ना उनसे। भगवान, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा हूं, आपने तो मुझे सब कुछ दे रखा, लेकिन लेकिन मैं अपनी पत्नी के तानों का जवाब क्या दूं? वो मुझसे कहती है कि जाओ और पूछो अपने भगवान से कि सारी उम्र भर की बत्ती का यही फल दिया उसने। भगवान, वो नास्तिक है या कुछ भी है, लेकिन बात तो ठीक ही कहती है। मैं उसका क्या जवाब दूं जब वो मुझसे पूछती है? मेरे पास जवाब नहीं रहता है। आप तो अंतर्यामी हैं, सारी दुनिया आपकी छत्र छाया में है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे बेटे की सहायता जरूर करेंगे, लेकिन लेकिन आप उसे भी तो समझाइए जो इस वक्त मेरी भक्ति पर शक कर रही है। नारंगी, 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 तू अपने काले बालों में ये वेणी लगा और मैं तेरे लिए ये जीन लाया हूँ, इसे पहन ले। हटाओ ये जीन, मुझे इस उम्र में क्या तोता परी बनाओगे? अरे ये तो मॉडर्न ड्रेस है। मॉडर्न ड्रेस? मुझे सारंगी का गिलाफ नजर आता है।
मैं क्या क्या ख्वाब देख कर आता हूँ और तू मुझे बासी कड़ी के उबाल की तरफ बिठा देती है। होश से काम लो, जिनका दिया हम खाते हैं उनके घर में फिर वही टंटा शुरू हो गया है। ये कहता है किस बच्चे के हाथ पांव ठीक नहीं हो सकते। क्या इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? हाँ, याद आया, इस बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मोहनलाल, दिल्ली में, उनको दिखाइए। तो आप ही उनको बुलवा दीजिए ना। अच्छा, मैडम मेरे ख्याल में ये बीमारी लाइलाज है। लाइलाज? अगर अगर दूसरे स्पेशलिस्ट को बुलवाया जाए तो क्या मेरा बेटा ठीक हो सकता है? ट्राई योर लक, ऑल द बेस्ट। सो जाना।
यस डॉक्टर। हम सब डॉक्टर्स मुन्ने का मुआयना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह बीमारी बिल्कुल लाइलाज है। इस जमाने में जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, जब आंख और दिल ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, क्या मेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता? आई एम सॉरी मैडम, ये बात हमारे बस की नहीं है। सिर्फ भगवान ही आपके मुन्ने को ठीक कर सकते हैं। कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन एक डॉक्टर अभी बाकी है जो दर्द भी देना जानता है और दवा भी। मेरी तरफ देखो सावित्री, तुम मुझे अपना भगवान मानती हो ना, तो अपने भगवान के हुक्म से थोड़ी देर के लिए मेरे भगवान में विश्वास ले आओ। सावित्री, तुमने जानते हो विश्वास एक ऐसी चीज है जो पत्थर में से दूध की नदियां बहा सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भगवान की हस्ती का विश्वास दिलाना चाहता हूं, बल्कि अपने बेटे के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए। देखो ना, ना मैं तुम्हारा दुख देख सकता हूं, ना तुम मेरा दुख देख सकती हो। हम दोनों का दुख सुख सांझा है। सावित्री, तुम नहीं जानती हो जात में कितनी शक्ति है। अगर तुम मां हो तो अपने बेटे के लिए एक बार मेरी बात मान लो। अब जो कुछ कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अब जहां कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलोगी? हाँ, अपने लिए नहीं, अपने मुन्ने के लिए। दुनिया की हर माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। चलिए। सामान रख दिया ना? जी। बेटे, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो। हाँ, अपनी आंखों से देख लिया है। क्या कह रही हो तुम? सुनिए तो,
नहाने के बाद जब मैं माथे पे टीका लगा रही थी तो एक बहुत बड़ा सांप मुन्ने के पास चला आया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई और न जाने क्या हुआ, मेरी जुबान पर कृष्ण कन्हैया का नाम आ गया। फिर क्या हुआ? फिर एक मोर ने सांप पर हमला कर दिया और उसे घायल करके उसे उठाकर ले गया और मेरी मुन्ने की जान बच गई। आज तक मैं अंधकार में भटक रही थी, दुनिया की रखवाले को मानने से इनकार कर रही थी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। सावित्री, क्षमा मुझसे क्यों मांगती हो? चलो भगवान से मांगो। हमें उबार
से है घेरे घोर अंधेरे अब तो दे दे दुख से घेरे मंदिर मंदिर नगरी नगरी तेरा नाम लेकर घूम आए हैं। अब क्षमा की भीख से इस झोली को भर दे भगवान। मेरा दोष सिर्फ यही है ना कि मैंने अपने घर को मंदिर और अपने पति को मालिक माना। मेरा पति मेरा मालिक है लेकिन तू तो सारे संसार का मालिक है। मैंने तेरे सामने हाथ नहीं जोड़े, इतने दिनों जुबान से तेरा नाम नहीं लिया, तेरे दर्शनों से इनकार करती रही। इन सब की सजा मुझे दे, मेरे पाप की सजा मेरे बच्चे को मत दे भगवान। नन्ही सी जान को जीवन तो दिया है लेकिन तू तो मिट्टी में भी जान डाल सकता है, तो फिर मेरे बेटे को माँ बोलने की ताकत क्यों नहीं देते? एक माँ अपने बच्चे के मुंह से माँ का लफ्ज सुनने के लिए तड़प रही है। तुझे यशोदा मैया का वास्ता, एक माँ को उसका अधिकार दे दे भगवान। मेरे लिए ना सही, मेरे पति के लिए ना सही, उन लोगों के लिए ही अपनी शक्ति दिखा दे जिनको तुझ पर विश्वास नहीं है, जैसे कि मुझे नहीं था। अपनी शक्ति दिखा दे प्रभु, ताकि वो लोग भी तुझ पर विश्वास करना शुरू कर दे। शायद हमारी आवाज तेरे कानों तक ना पहुंचे, तेरे दरबार तक ना पहुंचे, लेकिन इस मंदिर के घड़ियाल की आवाज जरूर पहुंचेगी, और ये तब तक बचते रहेंगे जब तक इस बच्चे का रोग दूर ना हो जाए। इनकी आवाज अब उस वक्त रुकेगी जब मेरे प्राण खत्म हो जाएंगे।
तुम कौन? मेरा नाम गोपाल है, मैं गवाला हूँ। मैं खेतों में गैया चरा रहा था, मंदिर के घड़ियाल की आवाज सुनकर मैं इधर चला आया। अरे ये यहाँ क्यों लेटे हैं? अरे किसका मुन्ना है, कितना प्यारा कितना सुंदर। अरे मुन्ने आंखें खोल, नहीं खोलेगा। अरे मुन्ने बोलना, नहीं बोलेगा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। आरती उतारो